हम मुसलमान अपने महापुरुषों को भूलते चले जा रहे हैं, हम अपना इतिहास भूल रहे हैं। आइए हम आज आपको मिलाते हैं सलीम मुइनुद्दीन अब्दुल अली, जो भारतीय पक्षी विज्ञानी और फितरत पसंद थे। उन्हें भारत के बर्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। आज सलीम अली की यौम पैदाइश का दिन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुदरत के इतना करीब अपने आप को रखते हैं। आधुनिक दौर में हमको कुदरत की कुछ खूबसूरती बचाए रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें इनको अपने पास महसूस कर सके। आइए इस यौम पैदाइश के मौके पर सलीम अली को खिराज अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट, जंगली हयात के हिफाजती और फितरत पसंद यानी अल्लाह की जानदार मखलूक से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने पूरे भारत में मुनज्जम तरीके से परिंदों का सर्वे किया और उन्होंने परिंदों के बारे में जानकारी देने के लिए काफी सारी किताबें भी लिखी। उनके द्वारा लिखी गई किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके इसी काम के कारण उनको भारत का बर्ड मैन भी कहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके कामों और योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 1958 में इनको पद्म भूषण और सन 1976 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। जानकारी के अनुसार सलीम अली ने शुरुआती तालीम मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ली, मगर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के वॉलफ्रेम माइनिंग और इमारती लकड़ियों के बिजनेस की देखरेख करने लगे। करीब 7 साल बाद सलीम अली मुंबई वापस लौट गए और पक्षी शास्त्री विषय में परीक्षण लिया। करीब 7 साल बाद सलीम अली मुंबई वापस लौट गए और पक्षी शास्त्री विषय में तालीम हासिल की। डॉक्टर सलीम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली परिंदों की जुबान समझते थे। बता दें कि 27 जुलाई 1987 को 91 साल की उम्र में डॉक्टर सलीम अली का मुंबई में निधन हो गया था। आप देख रहे हैं NC24।